आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर और कड़पा लोकसभा सीट से उम्मीदवार वाईएस शर्मिला का कहना है कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 2024 के लिए अपनी पार्टी का मंशूर जारी किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सीएम से मेरा सवाल यह है कि आपने 2019 में जो मंशूर जारी किया और इख्तदार में आए उसका कोई क्रेडिट नहीं दिया, फिर इस मंशूर का क्या साख है? इसने पुराने मंशूर का कोई वादा पूरा नहीं किया। चीफ मिनिस्टर मिस्टर जगनमोहन रेड्डी रिलीज्ड द मैनिफेस्टो, हिज पार्टीज मैनिफेस्टो फॉर 2024। माय क्वेश्चन टू द चीफ मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इज दैट इफ यू डिड नॉट गिव एनी क्रेडिट टू द मैनिफेस्टो यू रिलीज्ड इन 2019 एंड केम टू पावर, देन व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी दैट दिस मैनिफेस्टो होल्ड्स is my point. In his older manifesto, earlier manifesto, the last term's manifesto, Mr. Jagan Mohan Reddy claimed he would fight for special status, Polavaram and the capital, and that he would eradicate liquor, that he would put aside 3,000 crores of amount for the farmers every year for their price stabilization. He said he would give job calendars every January and things like this. He has not fulfilled any of them from the old manifesto. So my question is, on behalf of Congress party, how does this new manifesto hold good? Thank you.